सर रोड रेज का मामला आप कोई भी उठा कर देख लीजिए, वो तत्कालीन होता है, जो भी रिएक्शन होता है। उनके परिजनों को सुरक्षा और उनके आश्रित विधवा को सरकारी नौकरी की मांग के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपको दिखी गई है किसी बड़े नामचीन चेहरे को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, और इसी गांधी मैदान से हम नीतीश कुमार जी के आवास के घेराव के लिए हम फिर निकलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज, मैं हूँ आपके साथ अभय विशाल। इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान के पास मौजूद हैं, गांधी मैदान के गेट नंबर 1 के पास इस वक्त मौजूद हैं। और आपको याद होगा कि पिछले महीने इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या कर दी गई थी, और इस मामले को लेकर के 3 फरवरी के दिन पटना पुलिस ने एक खुलासा किया, और पटना पुलिस के जो SSP हैं उपेंद्र शर्मा ने ये खुलासा किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और उन्हें कहा था कि रोडरेज में रुपेश सिंह की हत्या हुई थी, और इस मामले का जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उसके 3 साथी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। और आज यहां पे राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जो नेता हैं आशुतोष कुमार, वो अपने समर्थकों के साथ धरना पर बैठे हुए हैं। किस लिए धरना पर बैठे हैं और क्या इनकी मांग है, इससे रिलेटेड जो भी सवाल है हम बात करेंगे उनसे, और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्यों धरना कर रहे हैं। हम रुपेश सिंह हत्याकांड की मांग जो CBI से कराना चाह रहे हैं, उसके लिए बिहार सरकार अनुशंसा करें, इस मांग के साथ में यहाँ बैठे हुए हैं। साथ ही साथ हम उनके परिजनों को सुरक्षा और उनके आश्रित विधवा को सरकारी नौकरी की मांग के लिए यहाँ बैठे हुए हैं जी। अच्छा सर, आपको क्यों लगता है कि पुलिस जो है वो लिपापोती की है? जी, धरना के देने की अनुमति नहीं मिली है हमको, और ये प्रशासन के लोग यहाँ पर हैं, वरीय पदाधिकारी हैं, इनका कहना है कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, तो प्रशासन में धरना की अनुमति नहीं दे रही है। हम यहाँ से जाएंगे, लेकिन फिर एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे, और इसी गांधी मैदान से हम नीतीश कुमार जी के आवास के घेराव के लिए हम फिर निकलेंगे। तो प्रशासन ने तो साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले को लेकर रोडरेज का मामला बता दिया, पर आप धरने पर बैठे क्या है? सर रोडरेज का मामला आप कोई भी उठा कर देख लीजिए, वो तत्कालीन होता है, जो भी रिएक्शन होता है। गया में रॉकी यादव के द्वारा रोड रेस का मामला हुआ था, तत्कालीन होता है। ऐसा नहीं कि आपके मोटरसाइकिल में किसी ने धक्का मार दिया और आपको 2 महीने के बाद गुस्सा आएगा, आप जाकर उसको 18 गोली दाग दीजिएगा। 4 बार आप रेकी करते हो और किसी CCTV कैमरे में आपका फुटेज नहीं आया, तो ये सारे मामले की लिपापोती की जा रही है किसी बड़े आपराधिक। सर आप पुलिस के खुलासे हमें को नहीं, उनके परिजन को नहीं, बिहार के लोगों को नहीं, पुलिस के खुलासे से आप संतुष्ट नहीं है सर? जी जी, आशुतोष कुमार, अध्यक्ष राष्ट्रीय जनजन पार्टी। पुलिस के खुलासे सर आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है। आपको क्यों लगता है कि लिपापोती जी, आपको क्यों लगता है कि इस मामले में लिपापोती हुई है? पुलिस को दिखी गई है किसी बड़े नामचीन चेहरे को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपने देखा इस वक्त आशुतोष कुमार जो है राष्ट्रीय जनजन पार्टी के नेता है, और इनका साफ कहना है कि पुलिस जो है किसी बड़े नाम को छुपाने के लिए प्रयास कर रही है, और ये पुलिस के जो भी खुलासे हैं उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, और यही कारण है कि इस वक्त ये पटना के गांधी मैदान के गेट नंबर 1 के पास धरना पर बैठे हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने इन्हें अनुमति नहीं दी है, लेकिन ये आगे भी बड़े आंदोलन की बात कह रहे हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अभय विशाल, बिहारी न्यूज।